हेलो एवरीवन, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। क्रिसमस पास आ रहा है, इसीलिए सोचा कि आपको एक गोवन रेसिपी बताऊं। उसका नाम है चिकन विंडालू। ये रेसिपी अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है, मगर मैं आपको एक इंस्टेंट रेसिपी बताने वाली हूँ जो मेरे सहेली ने मुझे सिखाया है। ये रेसिपी के लिए एक ड्राई मसाला लगता है, वो हम बता देते हैं। 10 से 12 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और ये अच्छी तरह से हमें भूनना है। ये हो चुका है, मगर इसे थोड़ा ठंडा होने देना है और बाद में इसे मिक्सी में से ग्राइंड करके लेना है। मिर्च और जीरा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें लेते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे पाउडर में पीस लेते हैं। देखते हैं हुआ है कि नहीं, हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल लेंगे, तेल गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, 1 टेबलस्पून, और इसे मिलाना है अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे 1/2 किलो चिकन विद बोन। अब हमने जो मसाला बनाया है ड्राई मसाला, वो डाल देंगे पूरा। 2 टेबलस्पून विनीगर, यहाँ पे लेना है ब्राउन विनीगर, ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, और नमक स्वाद अनुसार। अभी हम गैस बंद कर देते हैं, इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि ये चिकन को मसाला अच्छी तरह से लगना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। इस अच्छी तरह से मिला लेते हैं, इसे ढक देते हैं और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि गैस बंद किया है। 1 घंटा हो चुका है, ढक्कन निकाल देते हैं। मसाला अच्छी तरह से चिकन को लग चुका है, अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। गैस चालू कर देते हैं। अभी इसे हम अभी ढक देंगे और धीमी आंच पे उसे पकने देंगे। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं चिकन पका है कि नहीं। चिकन पक चुका है, अच्छा सा अरोमा आ रहा है। गैस बंद कर देते हैं और बॉल में निकाल लेते हैं। चिकन विंडालू तैयार। इस क्रिसमस को जरूर ट्राई कीजिए और हमें लिख भेजिए कि आपकी चिकन विंडालू डिश कैसी बनी है। और आप सभी को मेरी क्रिसमस।